हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और इजी सा लंच बॉक्स। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया पानी, और पानी में मैंने डाला है तेल और नमक और चावल का आटा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने गैस पे चढ़ा दिया इसे पकने के लिए। ज़्यादा देर नहीं लगता पकने में, बस थोड़ी देर में ये मतलब सूख जाता है ना पानी, तो बस उसके बाद में इसको ढक देना है थोड़ी देर के लिए। और इधर मैंने लिया चना दाल और दो लहसुन और एक मिर्च और धनिया जीरा लिया है मैंने, और इसको पीस लेना है। पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन डाला और नमक और हल्दी या हींग, बस इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और इधर आटा भी, मतलब जो मैंने चावल का आटा बनाया था ना, वो भी सूख गया था और ठंडा हो गया था, तो बस हल्के हाथों से इसे मतलब आटे जैसा डो कर लेना है, इसे मिक्स सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट कर लेना है। बस सॉफ्ट करने के बाद छोटा छोटा लोई लेना है ऐसे, मतलब छोटा छोटा फोल्ड कर देना है। आप फोल्ड करके, आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर में कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, पानी को खोलने तक खोल जाएगा, तो उसमें मैंने ये जितना मैंने बनाया था पीठे उसको मैं स्टीम कर लूँगी। और ये 10-15 मिनट में स्टीम हो जाता है। स्टीम करने में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तड़का लगा दिया था, तो मैंने यहाँ पर लिया है सरसों और कड़ी पत्ता और हल्दी डालकर बस इसको अच्छे से मिला लेना बस इसे। और इधर मेरा लंच बॉक्स रेडी हो गया था, तो मैंने यहाँ पर पैक कर दिया। और यहाँ पर मैं थोड़ी दे रही हूँ थोड़े से केचप और थोड़े से नट्स। बस यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी हो गया है। और आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट करके, और कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके।